तो चलिए अब हम उससे रिलेटेड कुछ केस लॉज की बात कर लेते हैं। तो ये केस लॉ है एएस मित्तल एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। अब इस केस में क्या होता है कि द डिफेंडेंट हैड ऑर्गेनाइज्ड एन आई कैंप। जो डिफेंडेंट होते हैं वो एक आई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जहां वो लोगों का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उनके आई का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इट वॉज हाउ एवर डिजास्ट्रस एज मैनी ऑफ दोज हु हैड ऑपरेटेड अपॉन लॉस्ट देयर आई साइट ड्यू टू पोस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जिन लोगों का उन्होंने ऑपरेशन किया होता है, डिफेंडेंट्स को ऑपरेशन किया, डिफेंडेंट्स ने ऑपरेशन किया होता है जिन लोगों का, वो लोग उन लोगों का कुछ लोगों की आईसाइट चली जाती है, यानी कि वो लोग देख नहीं पा रहे होते हैं, उन लोगों की आईसाइट चली जाती है। अब जब प्लेंटिफ्स इनको सू करते हैं तो द डिसीजन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ रेस इप्सा लॉक्यूटर। अब इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन था वो इस मैक्सिम के बेसिस पे था। अब सारा बर्डन ऑफ प्रूफ चला गया डिफेंडेंट्स के ऊपर। सो डिफेंडेंट्स ये चीज प्रूफ, डिफेंडेंट्स ये प्रूफ नहीं कर पाए कि उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, यानी कि प्लेंटिफ्स को जो इंजरी हुई थी वो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से नहीं हुई थी, उनके ऑपरेशन की वजह से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा था। सो बस इतना ही था इस केस में। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं, वॉल्श वर्सेस हॉल्स एंड कंपनी लिमिटेड। अब इस केस में क्या होगा, द ऑक्यूपायर ऑफ प्रमाइसेस एडजॉइनिंग द हाईवे वॉज कैरिंग आउट वर्क्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इन्वॉल्व नॉकिंग आउट लार्ज एरियाज ऑफ द फ्रंट वॉल। अब क्या होता है, हाईवे पे रिकंस्ट्रक्शन चल रहा होता है इस कंपनी के थ्रू, ठीक है, मतलब ये कंपनी हाईवे पे रिकंस्ट्रक्शन कर रही होती है जिसके एडजॉइनिंग यानी कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी वॉल होती है। हाउएवर ऑन वन पर्टिकुलर डे वन ब्रिक एस्केप द सेफ्टी नेटिंग एंड हिट अ पेडेस्ट्रियन हु प्रोसीडेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स फॉर द इंजरी सस्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस इप्सा लॉक्यूटर। अब क्या होता है, एक दिन एक ब्रिक जो होता है यानी कि एक ईटा जो सेफ्टी नेटिंग इन लोगों ने लगा रखी होती है जिसकी वजह से किसी को इंजरी ना हो, इन्होंने एक सेफ्टी नेटिंग लगा रखी होती है, उस नेटिंग से एक ब्रिक जो होती है, जो एक ईटा होता है वो एस्केप कर जाता है वहां से, और एक पेडेस्ट्रियन को यानी कि पैदल चलते हुए आदमी को वो ईटा सर पर लग जाता है जिससे उसको चोट हो जाती है, जिससे उसको चोट पहुंचती है, इंजरी हो जाती है। तो अब क्या करता है वो पेडेस्ट्रियन हु प्रोसीडेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द इंजरी, अब क्या करता है वो किस बेसिस पे, कौन से मैक्सिम के बेसिस पे केस फाइल करता है, इस मैक्सिम के रेस इप्सा लॉक्यूटर के बेसिस पे वो केस फाइल करता है। अब क्या होता है, हाउएवर द डिफेंडेंट्स, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि हाउएवर द डिफेंडेंट्स वर एबल टू एस्टैब्लिश दैट दे वर नॉट नेग्लिजेंट एज दे हैड टेकन ऑल द केयर टू इंश्योर दैट इन अ नो वे अ रोड यूजर इज इंजर्ड। अब डिफेंडेंट्स यहाँ पर प्रूव कर देती है, एस्टैब्लिश का मतलब है कि वो यहाँ पर वो प्रूव कर देती है कि वो नेग्लिजेंट नहीं थे, उन्होंने सारी रीजनेबल केयर ली थी जितनी ली जा सकती थी, टेकिंग ऑल द केयर टू इंश्योर इस तरीके से कि कोई भी जो रोड से चलता हुआ व्यक्ति है वो इंजर्ड ना हो, उन्होंने सारी केयर ले रखी थी। एंड वॉट हैड हैपन्ड वॉज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, और जो कुछ भी हुआ वो उनके कंट्रोल के बाहर था, इट वॉज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। देन अब लास्ट में क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी पे कि ये मैक्सिम उस चीज पे उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी जहां डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर ली होगी और जो चीज उनके कंट्रोल के बाहर होगी, उनके ऑर्डिनरी कंट्रोल के बाहर होगी, उन केसेस पर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। तो लास्ट वाली लाइन यही कहती है, द मैक्सिम डज नॉट अप्लाई इन द केसेस। अब इस केस पे इस ये मैक्सिम अप्लाई नहीं हुई, यानी कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं करार किए गए। द मैक्सिम डज नॉट अप्लाई इन द केसेस वेयर रीजनेबल केयर हैज बीन टेकन एंड व्हाट हैज हैपेंड वाज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। सो अब यहाँ पे इस केस से ये पूरा टॉपिक खत्म होता है रेस इप्सा लॉक्यूटर का। इस मैक्सिम से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिम थी ये, आज हम लोगों ने टॉट की कंप्लीट की है। किस पे बेस्ड है ये, रूल ऑफ नेग्लिजेंस पे, जो टॉट ऑफ नेग्लिजेंस हम लोगों ने पढ़ा उस पे ये मैक्सिम बेस्ड है। तो अब ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हुआ, मैंने ये मैक्सिम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके पहले जो इसके दो वीडियोज है, इस केस लॉज के अलावा भी जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और जिसका इंट्रोडक्शन है कि मैक्सिम एक्चुअल में क्या होती है, वो सारी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी प्लीज़ जा करके देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स के लिए, आपके जो
जो कुछ भी एग्जाम्स जो भी एग्जाम्स आप देंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.